हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे यूनिक ऑनलाइन ग्रुप पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइट की। बिल्कुल सही समझा आपने, माइट की बात करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कैन की बात की थी, कुड की बात की थी और मे की बात की थी। ठीक है, वो क्या हो रहा है, मॉडल वर्ब के हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया उसमें आज क्या है हमारा, ये कैन के, कुड और मे के बाद ये चौथा टॉपिक अपना क्या है, माइट है। इसको एकदम ध्यान से देखिएगा और ये क्या होता है, ये एकदम आराम से समझ में आ सकता है। एकदम थोड़ा भी इसमें दिमाग नहीं खर्च करना, माथा पच्ची कुछ भी नहीं करना, एकदम फ्री में समझ में आएगा। आइए देखते हैं कुछ बातें, पहले हम लोग जानेंगे इसके बारे में। जैसे पहली बात, कुछ बातें एकदम बेसिक बातें आप ध्यान लीजिए, एकदम बेसिक सी बातें। ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, पॉसिबिलिटी के लिए पहला यूज़ होता है। पहला इसका क्या होता है, इसका यूज़ होता है पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन याद रखिएगा, इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है ना, वो क्या होती है, नियर अबाउट होती है, या कह सकते हैं आप लेस देन 40% होती है। लेस देन 40% होती है, मतलब बहुत कम है संभावना इसकी, बहुत कम पॉसिबिलिटी, बहुत हल्की पॉसिबिलिटी होती है इसका हम लोग जो यूज़ करते हैं। दूसरा जान लीजिए, पहला हमने क्या जाना कि जो इसका होता है वो लेस होता है। दूसरी बात, इसका हम लोग जो यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, शायद के सेंस में यूज़ करते हैं। शायद, शायद मीन्स क्या हो रहा है, एकदम एकदम हम लोग इसलिए एकदम लाइटली ले रहे हैं ना, अब शायद की बात कर रहे हैं। जिसका जो तीसरा हम लोग बातें जानते हैं माइट के बारे में, पहली बात क्या होता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, शायद होता है। इसीलिए क्या होता है, इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, टेंड्स टू जीरो होती है, मीन्स नेगेटिव पॉसिबिलिटी की बात होती है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है, यानी कि हम लोग बोलें इट टेंड्स टू जीरो, वो क्या करती है, जीरो की तरफ टेंड्स करती है। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, जो लिमिट्स फंक्शंस डेरिवेटिव वगैरह, तो वहाँ पे आपको टेंड्स वगैरह टर्म समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ तब भी जानिए कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हल्की होती है, एकदम कमज़ोर होती है, इसलिए हम लोग उसको शायद के सेंस में यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो आइए हम लोग यहीं से इसका पहला यूज़ देख लेते हैं। इसका पहला यूज़ हम लोग करते हैं पॉसिबिलिटी के ही सेंस में यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला यूज़ हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मे माइट इज यूज्ड एज ए पॉसिबिलिटी, माइट इज यूज्ड एज ए पॉसिबिलिटी। पहला हम लोग को यही पढ़ना है कि जो हम लोग माइट का यूज़ करते हैं वो किस सेंस में करते हैं, पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब क्या हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, एक क्या कर रहे हैं, एक मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि शायद ये काम हो जाए, शायद ये क्या कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटी हमारे पास। और प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी टेंड्स टू जीरो है, मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल बात करूं कि इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इट माइट रेन टुडे, इट माइट मतलब शायद ही वर्षा हो, शायद ही, एकदम शायद ही। कोई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो बात है उसमें कोई दम नहीं है, मीन्स क्या हो रहा है, हमने देखा थोड़ा हवा हवा चलना स्टार्ट हुई, मौसम थोड़ा सा मौसम बना, तो हमने क्या करा कि अब लगता है शायद बारिश हो जाए आज। भाई अब क्या हो रहा है, जब थोड़ा सा मतलब मौसम सिर्फ हवा चलना चलने लगी या फिर थोड़ा सा बादल दिखने लगा, तो जरूरी नहीं कि बारिश हो जाए, फिर बारिश की बहुत कम संभावना है। तो वहाँ पर हमने क्या किया, यूज़ माइट का यूज किया। ऐसे ही और आपसे कह सकते हैं कि जैसे राम माइट प्रेजेंट टुडे। अब सोचिए कि राम क्या करता है, कभी क्लास में आता ही नहीं है, कभी नहीं क्लास, जब से क्लास चल रही है कि कभी कभार घूमते महीना एक दो महीना पे काग दिन आ जाए, तो अब आप क्या करेंगे, राम शायद ही आ जाए, राम माइट प्रेजेंट टुडे, शायद ही राम आज प्रेजेंट हो। ठीक है, मैं ऐसे एग्जाम्पल कह सकता हूं कि यू माइट पास दिस एग्जाम, यू माइट पास दिस एग्जाम। जैसे मैंने क्या बोला आपसे, यू माइट पास दिस एग्जाम, अब क्या हो रहा है कि शायद ही तुम इस एग्जाम को पास करोगे। भाई जब तुम कुछ पढ़ लिख रहे ही नहीं हो, जब कोई भगवान कृपा होगी तभी तुम पास होगे, अन्यथा तुम पास नहीं हो सकते। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी एकदम कम होती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस माइट का यूज़ होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये होता है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये था हमारा पहला यूज़, जहाँ पर हमने क्या देखा कि जब हमारी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती, मीन्स व्हेन आवर पॉसिबिलिटी टेंड्स टू जीरो, व्हेन आवर पॉसिबिलिटी इज अबाउट टू नेगेटिव, एट दैट प्लेस वी आर यूजिंग माइट इंस्टीड ऑफ मे, कैन एंड कुड। इतनी बात समझ में आ गई। तीसरा जो हम लोग जानते हैं वो क्या करते हैं, मे का हम लोग जो यूज़ करते हैं पास्ट सेंस के सेंस में करते हैं।
ये पहला यूज समझ में आ गया। दूसरे यूज की तरफ चलते हैं, एकदम ध्यान से देखिए और इसका नोट्स बनाते रहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि लिखा करिए, सिर्फ कथा सुनने से काम नहीं चलता, सिर्फ कथा सुनने से काम नहीं चलता, आपको लिखना चाहिए, अपने हाथों को चलाना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको मुंह को भी चलाना है, प्रैक्टिस करना है, बोलना, बोलते रहना है। अगर आप बोलते रहेंगे तो चीज़ें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो दूसरा हम लोग जानते हैं इसका यूज जो होता है, जो सेकंड यूज होता है माइट का, वो क्या होता है, हम लोग उसका सेंस में किस सेंस में यूज़ करते हैं, पास्ट के सेंस में यूज़ करते हैं। पास्ट के सेंस में कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि सी माइट हैव गॉन हिज होम, सी माइट हैव गॉन हिज होम, शायद ही वो आज अपने घर गई हो, शायद ही वो अपने घर गई हो। यहां पे इस बात को समझना है, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, माइट के साथ हैव का यूज कर रहे हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, यहां पे क्या हो रहा है, जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर देखिए, खुद से स्ट्रक्चर बना कर मैं आपसे सिखा रहा हूँ, आपको मैं भी कहा था, मैं आपको यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि आपको स्ट्रक्चर खुद बनाने की कोशिश करना, खुद बनाने की कोशिश करना। वी थ्री यहाँ पे देखिए, वी थ्री है, जब बताया था मैंने आपको कि जब हैव का यूज़ होगा किसी भी मॉडल वर्ब में, किसी में भी, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, तो अगर हैव का यूज़ हो गया हमारे मॉडल वर्ब के बाद, तो वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बोलिए फट से, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैं बोलूँ आपसे, ही माइट हैव फिनिश्ड हीज वर्क, ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, शायद ही वो अपना काम पूरा किया हो, शायद ही किया हो, भाई कभी करता ही नहीं है, कभी उसका काम पूरा नहीं, तो आज का काम कहाँ से पूरा हो जाएगा। अगर उसका काम रेगुलर पूरा होता रहता तो हम क्या कहते हैं कि चलो ठीक है हो जाएगा, कंप्लीट कर सकता है, बट जब कभी उसका काम कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्या करते हैं, साइड क्या हम लोग बात करेंगे, माइट हैव फिनिश्ड, वहाँ पे क्या करें, माइट के साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। ये बात समझ, जैसे आप कह सकते हैं राम माइट हैव वॉक्ड हार्ड, राम माइट Have worked hard means क्या हो रहा है, शायद ही राम कड़ी मेहनत करे, कभी तो राम मेहनत किया ही नहीं है, कामचोर आदमी है। अब आप सोच रहे होंगे सर बार बार आप राम क्यों कर रहे थे, राम को नहीं तो आप रहीम को कह लीजिए, रहीम को भी नहीं कहूँगा मैं, ठीक है, चिंटू मिंटू जो भी आप नाम रखना चाहते रख लीजिए, लेकिन यहाँ पे सेंस आपको समझना है, आपको सिर्फ सेंस समझना है, ठीक है, आपको क्या करना है, मेरे भाव को समझना, शब्दों पर नहीं जाना। मैं भले ही यहाँ पर राम कह रहा हूँ, यहाँ मेरे कहने का मतलब क्या है कि राम माइट हैव वर्कड हार्ड, कि शायद ही राम क्या किया हो, मेहनत कड़ी किया हो, शायद ही किया हो, ठीक है, क्योंकि कभी राम किया ही नहीं, उसका पिछला रिकॉर्ड रहा हो। कभी कभी क्या होता है, इसके अलावा जो तीसरा हमारा यूज होता है माइट का, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, माइट के साथ हैव और उसके साथ वो बी टू सॉरी बी का यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम इसको मिटाते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम माइट के साथ हैव और बी का यूज करते हैं, वो देखते हैं यूज कैसे होता है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ठीक है, हाँ आइए देखते हैं, मैंने आपसे क्या कहा, कभी कभी क्या होता है कि माइट के साथ हम लोग हैव और बी का यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, सॉरी माइट के साथ हैव और टू का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कोई सेंटेंस बोलूं, आई माइट हैव टू पे फी, मीन्स क्या हो रहा है कि मुझे शायद फीस देनी पड़ जाए, बात समझिए मेरी बात, क्या हो रहा है कि मुझे कोई काम शायद करना पड़े, मतलब पड़ जाए, मतलब क्या हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है कि ये मुझे काम जनरली नहीं करना पड़ता है, लेकिन हो सकता हो उस दिन काम करना पड़ जाए, तो वहां पे हम लोग माइट के साथ हैव और टू का यूज करते हैं। वहां पे करते हैं हम लोग माइट के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं, जैसे मैंने आपसे क्या बोला, एक एग्जाम्पल बोला मैंने आपसे कि आई माइट हैव टू पे द फी, आई माइट हैव टू पे फी, शायद ही मुझे क्या करना पड़े,
फीस को पे करना पड़े। अब मैंने कभी फीस पे किया नहीं है, ठीक है, हम क्या करते हैं कोचिंग में जाते हैं, गुरुजी से बात करके पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या हो रहा वहाँ पे, क्या हो रहा, गुरुजी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि शायद मुझे फीस पे करनी पड़े, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि हम ये बात कर रहे हैं जब हम लोग माइट के साथ हैव टू का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो कंडीशन, जो सेंस आता है वो क्या आता है, शायद और पड़े वाला सेंस आता है। मतलब क्या हो रहा, काम करना पड़े। मैंने क्या बोला आपसे कि शायद मुझे वहाँ पे फीस करनी पड़े, तो जहाँ पे शायद ना पड़े वाला सेंस आता है, शायद ना पड़े वाला सेंस, यहाँ पे क्या होता है, शायद ना पड़े, मतलब काम करना पड़े ना, कोई काम को करना पड़े, ठीक है, शायद करना पड़े, ठीक है। तो जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे किसी काम को करना पड़े वाला सेंस होता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइट के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आई माइट हैव टू प्रेजेंट टुमारो, मुझे शायद कल उपस्थित होना पड़े। अब क्या हो रहा है, शायद होना पड़े, क्यों होना, क्योंकि हो सकता है मेरे पास मेरे साथ कुछ कंपल्सन होगी, तो क्या हो रहा है, शायद मुझे होना पड़े, वैसे होना नहीं पड़े, क्यों नहीं होना पड़े, क्योंकि हम लोग माइट का यूज़ कर रहे हैं ना। माइट क्या होता है, अपने आप में बड़ा कमज़ोर व्यक्ति है, बड़ा गरीब व्यक्ति है पॉसिबिलिटी के फैमिली का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, चूंकि माइट है तो इसलिए क्या हो रहा है, भले ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि शायद मुझे फीस पे करनी, मतलब बहुत रेयरली करना पड़े, बहुत रेयरली करना पड़े, तो जहाँ पे एकदम रेयरली की बात होती है वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ये बात समझ में आई। एक हम लोग इसका यूज़ और देखते हैं, जो इसका यूज, इसका कंडीशनल वाला इसका यूज होता है, एक हम लोग इसका यूज़ और करते हैं, माइट का यूज़ हम लोग अपने कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं, देख लेते हैं उसको भी फटाफट, देख लीजिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा मैं, 5 मिनट के अंदर इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा, 5 से 10 मिनट में, ठीक है। मैं जानता हूँ कि बहुत कम टाइम है आपके पास ना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी चीज़ों को मैं कोशिश आपको समझाने की कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं अगली टॉपिक, अगला पॉइंट। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, चौथा या पाँच तीसरा जो भी होगा, मैंने आपसे क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं इसका यूज़, माइट का यूज़ कब करते हैं, जब हमें अपने वेस की बात करनी होती है, जब हम कंडीशनल सेंटेंस में होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है भाई, वहाँ पे कंडीशन होती है ना, वहाँ पे कंडीशन होती है, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे कंडीशन होगी काश, आई विश, आई विश। अब यहाँ पे आई विश क्या होता है, आपको अगर याद होगा तो हम लोग क्या करते हैं कंडीशनल सेंटेंस, आयुष मतलब किसका, आई विश का कहाँ, किस सेंस में यूज करते हैं, काश के सेंस में यूज करते हैं, काश के सेंस में यूज करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे एक सेंटेंस बोलूं, आई विश आई माइट हैव सीन तिरंगा, आई विश आई माइट हैव सीन तिरंगा। अब क्या हो रहा है, काश मैं तिरंगा देखा होता, काश मैं तिरंगा देख लिया होता, ठीक है, काश मैं तिरंगा देखा होता। अब क्या हो रहा है, जब मैं काश की बात कर रहा हूँ तो आई विश का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, काश मैं तिरंगा देखा हो, तिरंगा क्या है, यहाँ पे कोई मूवी है, ठीक है। तो अब चूंकि मैं काश की बात कर रहा हूँ, कंडीशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या होता है, हम लोग माइट का यूज़ करते हैं जब हमें कोई कंडीशन बताना होता है। जैसे मैं आपसे एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ, आई विश आई माइट मेट लॉर्ड राम। ये सारी बातें आपको बताऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।